गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रद्धा, और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम आपके लिए वापस लेकर आए हैं हमारा शो मैप ऑफ मी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो चलिए ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर ये शोर और पोल्यूशन ना हो। कितनी शांति है यहाँ, एग्जैक्टली वैसा माहौल जो हमें शांति देता है, जहाँ पर हम आसानी से सांस ले सकते हैं। आई कैन से फॉर श्योर कि मुंबई में काफी कम लोग होंगे हु डोंट विश फॉर फ्रेश एंड क्लीन एयर एंड ग्रीनरी। तो क्या आप भी मेरी तरह है जो हर दो दिन में ये सोचते हैं कि आई विश मैं एक मंथ के लिए पहाड़ों में जाकर मैं शांति से रह सकूं? तो मैप ऑफ मी का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हमेशा की तरह हम आज भी एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो एक बेहतर समाज और हेल्दी फुलफिलिंग लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। हम आज जानेंगे कि इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं और कौन से कदम ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं, ताकि बार बार हम मुंबई के पोल्यूशन और कियोस से ना बचे और इस शहर को एंजॉय कर सके। एपिसोड के एंड में होगा एक छोटा सा क्विज, जिसमें हम आपको पूछेंगे दो सवाल, और इन सवालों के सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। सो आर यू रेडी मुंबई? लेट्स टॉक ग्रीन एंड क्लीन। श्रद्धा, हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है माधुरी मामगाई। आज हम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल और सेरीन गार्डन में हैं, तो आइए आज का डिस्कशन हम यहीं से शुरू करते हैं। ऐसे जो ओपन स्पेसेस हैं, गार्डन है, पार्क है मुंबई में, क्या वो और बनने चाहिए? Yes, definitely बनने चाहिए। I am a sports person. मुझे जिम करना, फिटनेस करना बहुत पसंद है, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर पीपल कमिंग अप। ओपन स्पेसेस और बढ़ने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जितने हैं उन पे कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो जितना है ग्रीन कवर कम ही होते जा रहे हैं दिन पे दिन। ओके, तो आप यहाँ डेली आते हैं क्या गार्डन में? Yes, मैं डेली आता हूँ। मैं राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ये गार्डन में आता हूँ। आई प्ले फुटबॉल या जिम करने आता हूँ, फिटनेस करने आता हूँ, और मेरे फ्रेंड गैंग्स के साथ भी हम यही चिल आउट करते हैं। वाव, फैब, लोगों को आपसे इंस्पायर होना चाहिए। तो आपको कैसा फील होता है जब आप इधर गार्डन में आते हैं? तो गार्डन मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाला जगह है, बिकॉज एवरी डे जब तक गार्डन नहीं देखे दिन में कुछ अच्छा नहीं हो ऐसा लगता है। तो बीट फिटनेस, बीट फुटबॉल, बीट चिल आउट, गार्डन तो आना ही है। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप शहर मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो क्या आपका कभी मन करता है कि आप माउंटेन्स में जाके रहें, खुली हवा, साफ हवा, ताज़ी हवा लेने का मन करता है आपका? यस, माउंटेन जाना तो सबका पिकनिक पॉइंट होता है, बट कहाँ भी जाओ रिटर्न मुंबई आना है, यहाँ पे ही आके वो सुकून मिलता है। और पिकनिक टाइम के लिए इट्स ओके, खुली जगह में जाना बहुत पसंद है। तो मुंबई में ही आपका दिल है, बट आप माउंटेन्स में जाना पसंद करेंगे, बट कभी कभी। ओके, तो आप ये बताइए कि मुंबई में ग्रीन कवर कितना होगा, आपको क्या लगता है पेड़ों का कितना परसेंटेज होगा, कितना एरिया कवर किया होगा मुंबई में? आई थिंक मुंबई में ग्रीन कवर अराउंड 30-40% बचा होगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। और आप ये बताइए कि मुंबई में ग्रीनरी या हरियाली करने के लिए और करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ पॉइंट्स या टिप्स बताएंगे क्या कर सकते हैं? आई थिंक जो मेरे नॉलेज में है, ट्री प्लांटेशन ही ऑप्शन है
जो हमारे पहले जनरेशन ने करके आज हम वो देख रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर के लिए हमको भी वही करना है, बिकॉज दिन पे दिन ये कम ही होते जा रहे हैं, तो हमको ट्री प्लांटेशन इज अ मस्ट। तो ये तो हुई मुंबई में गार्डन्स एंड पार्क की संख्या बढ़ाने के बारे में लोगों की राय, पर यकीन मानिए सिर्फ यही काउंट नहीं करता जब आप किसी शहर के ग्रीन कवर के बारे में बात करते हैं। मुंबई दुनिया के उन चुनिंदे शहरों में से है जिनके ऊपर नेचर की मेहरबानी है। हमारे शहर के बीचों बीच जंगल है, जी हाँ, हमारा अपना नेशनल पार्क और उससे जुड़ा है आरे कॉलोनी। दीज प्लेसेस आर एक्चुअली कॉल्ड लंग्स ऑफ मुंबई। ये जगहें हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की अच्छी खुराक या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। इन सब का असर हमारी लाइफ में इनडायरेक्ट दिखता है, पर है नहीं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस अर्बन फॉरेस्ट के बारे में। के लिए हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि बोरिवली नेशनल पार्क आपको पता होगा और आरे कॉलोनी भी आपको पता होगी, तो इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? जी, आरे कॉलोनी देखा जाए तो अभी क्या है ना, कुछ लोग जहाँ पे जाके जितना एक्सरसाइज करते हैं, इन्वायरमेंटली जो भी ब्रीथिंग लेते हैं, ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है लोगों को, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस और काफ़ी सारी जो लोगों में जो चल रही है, जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, उसके चलते जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे पेड़ों की ज़रूरत है, उसी जगह में जाके ऑक्सीजन लेके लोग अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को अच्छे रख पाते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि हर जगह में पेड़ की, पौधों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी, सख्त ज़रूरत है, इसको हम गवाही देंगे। और कहना चाहेंगे कि जहाँ पे भी पेड़ है, जहाँ पे तोड़ना काटना जो चालू है, उसको बंद किया जाए, बिकॉज आरे कॉलोनी जैसा जो एरिया है, एक बॉम्बे के अंदर में खूबसूरती जगह है हमारी, ये फायर गार्डन। इस फायर गार्डन में देखो ग्रीनरी है, जहाँ पे पेड़ है, जहाँ पे हिंदू कॉलोनी हो गया, उस जगह में बहुत अच्छी तरह से पेड़ है, जहाँ पे मार्च महीने में जैसे जिस तरीके से धूप लगती है तो लोग वहाँ से चल के जाते हैं छाँव में से, कितना अच्छा लगता है। अभी इसी सीजन में देखो, अभी काफ़ी सारे लोगों में जो ज़रूरतमंद है, हर जगह में बिल्डिंग खड़ी हो रही, हर जगह में कुछ खोदना चालू हो गया, रोड हो गए, लेकिन उसमें क्या है कि आपको स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, इतना बड़ा शहर है तो उसको आप बरकरार रखो कि भाई ग्रीनरी होनी चाहिए, और बहुत सख्त ज़रूरत है आज की डेट में हर आदमी पेड़ लगावे। जो काफ़ी सारे लोगों मुहिम चलती है उसको हम सैल्यूट करना चाहेंगे, जो लोग पेड़ लगाते हैं, और हम भी सीखना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए इस तरीके से, दौड़ तरीके अपने हैं, और जो ग्राउंड मिलता है देखो लोगों को खेलने के लिए यहाँ पे, तो जब भी बच्चे दौड़ते हैं या बूढ़े दौड़ते हैं यहाँ पे, जो भी चलते हैं, तो ब्रीथ ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आरे कॉलोनी है, जैसे गोरेगांव का जो वापिस जंगल्स है, सिटी में ऐसे जंगल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे देख रहे हो तो बड़ी बड़ी इमारतें सीमेंट के जंगल बन गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे पेड़ होना चाहिए वहाँ पे आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि आज लोगों को टेंशन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसे कि आप जाएंगे ना, जैसे स्लम एरिया में जाओ, वहाँ पे बिल्डिंग एरिया में जाओ, ऐसे ऐसे क्राउडेड लोग हैं ना, सांस लेने में तकलीफ है, गाड़ियाँ इतनी हैं कि आदमी चले या ट्रैवल करे या कैसे करे कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है। आज कोरोना की बीमारी भी यही बताती है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ब्रीथ ले लो, अच्छे एनवायरनमेंट जाओ, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, ये क्यों हो रहा है? और हेल्दी रहने के लिए यहाँ पे गार्डन्स ही नहीं है, ये जो ग्रीनरी, आज ग्रीनरी देखने के बाद जो खुशी मिलती है ना दिल को, अपना दिल इतना महसूस हो रहा है ना आज, मेरे को अच्छा लग रहा है। मुंबई, आपको क्या लगता है कि मुंबई सिर्फ एक कॉन्क्रीट जंगल है या यहाँ पर पेड़ भी है या और पेड़ होने चाहिए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखो यहाँ पे पेड़ होना जरूरी है बिकॉज ऑफ जो लोगों रोड के ऊपर में जो वक्त चलता है, जहाँ पे मतलब कुछ पाइपलाइंस गड्ढा से जो क्लीनिंग चलता है, उससे क्या होता है उसकी जड़ें निकल जाती है, जो मशीन्स खोदती है उसको, उसकी जड़ें निकलती है और पेड़ का जो जान है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसके वजह से पेड़ों का असंभव और जो बैलेंस है वो एक तरीके से एक साइड चले जाता है, जिसमें डेंजरस हो जाता है, किसी के गाड़ी के ऊपर गिरता है, कभी कई जगह गिरता है, हमको लगता है कि ये पेड़ गिर गया, गिरा कि उसकी भी एक खासियत है, तो उसको एक सही तरीके से एक BMC अगर उसको ढंग से अगर कुछ प्रोटेक्शन दे के फिर उसको खोदना चालू करे, जैसे पिलर्स देते बिल्डिंग के लिए, उस तरीके से अगर उसको साइड में लगावे तो पेड़ की जो लाइफ है वो भी टिकी रहेगी और बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे नहीं। देखो आरे कॉलोनी में जहाँ पे जंगल है, हम लोग ने वहाँ पे एक इवेंट किया था साइकिलिंग का, वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि मैं विलेज में गए,
क्योंकि वहाँ का विलेज का जो एटमोसफियर देखा ना ऐसा, वहाँ पे एक साइड पे खेती बाड़ी चल रही है, वहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रीनरी दिख रहे, मुझे लगा और ऐसा पहाड़ पे जो चढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसा लग रहा है यार गांव में ही आ गया। और बम्बई में ये ऐसा है वहाँ पे, वो इम्पैक्ट इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद नियरेस्ट है, हम लोग लंबे जा नहीं सकते अपना काम के शेड्यूल के बीच में, लेकिन वहाँ पे जाने के ग्रीनरी देखा, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल देखा, अरे ये बम्बई में मिल रहा है, मतलब ऐसी जगह और भी जगह होगी। विश्वास नहीं हो रहा था आपको? नहीं, सच में विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीमेंट की जंगल जो दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आर्य कॉलोनी बहुत बेस्ट है और वो इम्पैक्ट तो करता है लाइफ में, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे भी आता रहेगा। नरेश जी, जो आप ये काम करते हैं गार्डनिंग का, तो आप ये कितने टाइम से कर रहे हैं? कम से कम 15-20 साल से कर रहा हूँ मैडम। अभी आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, आप आइडिया दीजिए कि लगभग हमारे मुंबई में कितने पेड़ होंगे, जैसे कि समुद्र है, रोड है, बिल्डिंग्स है, थोड़ा एरिया, ग्रीन एरिया हम जिसको बोलते हैं, वो कितना प्रतिशत होगा आपको क्या लगता है? कम से कम करोड़ों का ऊपर ही प्लांट है मैडम, पेड़ है ऐसा ऊपर है। तो आप बोल रहे हैं 30-40% जो ग्रीन एरिया है हमारे मुंबई में है। अच्छा, पर कितने पेड़ों को एक दिन में पानी डाल देते, कुछ आइडिया? ऐसा 50-100? ऐसा तो आइडिया मतलब पेड़ बोलेगा तो ग्रास से लेके भी ग्रास के अंदर भी डालते हैं, समझो लॉन होते हैं, लॉन के अंदर कितना पेड़ होते हैं उसका तो अंदाज नहीं ले सकते। जैसे प्लांट होते हैं कम से कम 400-500 पेड़ में पानी देते हैं समझो रेगुलरली, जहाँ से अभी आज इधर मेंटेनेंस किया, कल उधर मेंटेनेंस किया। तो आप कह रहे हैं आपकी पूरी यूनिट है और मतलब लोग हैं आपके, और ये बोल रहे हैं एक दिन में सब मिलके 400-500 पेड़ को पानी डाल देते हैं। गार्डनिंग जो आप करते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, या फिर हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए, ये कितना मायने रखता है, मतलब क्या लगता है आपको, थोड़ा बताएंगे? तो प्लांट इसलिए मैडम, अभी ये जो उत्पन्न जो भी होता है प्लांट के वजह से अपने को ये मिल रहा है, मतलब प्लांट ने हर चीज दिया है अपने को। प्लांट ने क्या नहीं दिया, फ्रूट दिया, ऑक्सीजन दिया, फल दिया है, अनाज दिया है प्लांट से, इसके लिए कि वो हिसाब से अपने को रखना जरूरी है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने बोली है, एक जितने भी इन्होंने गुण बताए, एक माँ के गुण बताए हैं। ग्रीन कवर की सबसे बड़ी दुश्मन है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जहां तक नजर जाए बस इन बड़ी बिल्डिंग्स का ही राज है। और अगर मुंबई जैसे शहर का एरियल व्यू देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीन कवर थोड़ा कम है, पर ये हताश होने वाली बात नहीं है। अगर इस चीज को आपने रियलाइज कर लिया है और इम्प्रूव किया जाए तो हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सस्टेनेबल लिविंग, ग्रोथ और ग्रीन कवर को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, आइए बात करते हैं अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल से। जब हम शहर में जो भी फ्यूचर अर्बन प्लानिंग प्लान करते हैं, तो उसमें ये ग्रीन कवर को कितना ध्यान दिया जा रहा है? डेफिनेटली ध्यान देते ही है। अप टू 1990 इट वाज 2%, ओके, नाउ इट इज 10%। ओह वाह, अ प्लॉट, ओके। तो आप बोल रहे हैं इसमें बढ़ोतरी हुई है और बहुत हुई है? बहुत हुई है, 10% ऑफ द प्लॉट एरिया। ओके ओके, कि जब आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो हाउसिंग के हो, कमर्शियल के हो, तो आपके आर्किटेक्ट जो डिजाइनर, ये अपने ग्रीन कवर को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? फिलहाल तो बहुत देते हैं। अच्छा। इट इज अबाउट, पहले वही देखते हैं और वाटर प्लानिंग करते हैं, बाद में सब कुछ। अच्छा, पहले आप ग्रीन कवर और वाटर प्लानिंग देखते हैं, उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसके कुछ फायदे बता सकते हैं अगर आप ये? डेफिनेटली ग्रीन कवर करेंगे उतना सबके लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा ही है। आपने देखा ही होगा कि हमारे लोगों का ग्रीन कवर पर कितना ध्यान है। ग्रीन कवर इज वेरी क्रूशियल टू ब्रीद इन द सिटी, और सिर्फ ब्रीद ही नहीं, ये हमारे मौसम और बारिश की साइकिल से भी जुड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारे हवा और पानी जैसी मूल जरूरतों के लिए भी ग्रीन कवर बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाने का जिन्होंने ग्रीन कवर को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। हेलो एवरीबॉडी, हमारे साथ है मिस्टर भरत गौड़ा फ्रॉम सदगुरु एंटरप्राइजेस। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम एट मैप ऑफ मी।
और हमारे कुछ सवाल है जो व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, तो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे। तो हमारा पहला सवाल है, आपका ये जो एंटरप्राइज है सदगुरु नर्सरी, ये आपने कैसे और क्यों चालू किया? सदगुरु नर्सरी बेसिकली हम लोग फार्मर है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये हमारे डैडी ने पहले स्टार्ट किया था। उनको एज अ फार्मर उनको प्लांट्स में ज़्यादा नॉलेज था और उसमें इंटरेस्ट था, तो मुंबई में वो आए थे 25 इयर्स 30 इयर्स बैक आए थे। तो वो पहले आए तो गार्डन लाइन में उन्होंने जॉब किया थोड़े साल, उसके बाद उन्होंने एंटरप्राइज स्टार्ट किया। यही सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी है जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो कोई ऐसी बिजनेस आइडियाज, कोई ऐसे एंटरप्राइज आइडियाज है जो हमारे व्यूअर्स दे कैन ट्राई आउट? हम ट्राई कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज है सोशल मीडिया पर। आजकल बच्चे लोग भी छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोपोगेट करके, जैसे आपका फोटोस हो गया, आरे का पम्प जो है, एयर प्योरीफायर प्लांट है, जो मुंबई जैसे सिटी में बहुत ही एसेंशियल है घर पे रखने के लिए, जो कि हमारे टॉक्सिसिटी को तो रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आजकल तो छोटे छोटे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड आते हैं हमारे पास बहुत सारे, तो उनको हम लोग फ्रीली गाइड भी करते हैं जिसे प्रोपोगेट करना है, रखना है, सजेशन मांगते हैं कौन सा रखना है। तो ऑनलाइन में थोड़े बहुत से एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लिया, जो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज करके जो डेली रूटीन में बिजी है उन लोग को ऑनलाइन भी सेल करते हैं बच्चे लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर अभी डिज़ाइन पॉट्स है, अभी हैंडक्राफ्टेड है, अभी छोटे छोटे आर्टिस्ट लोग पहले आर्ट करते थे, रस्ते में बेचते थे, अभी उन सब की जरूरत नहीं, घर पे रख दिया, एक ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, इंस्टाग्राम पे बेच लिया, तो भी उनका दुकान चल जाता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड है तो उसमें एक हमारा जो मोटिव है ग्रीन एनवायरनमेंट का, तो कोई आप सजेशंस देना चाहोगे कि कैसे हम एक ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट रख सकते हैं? एनीवेज ग्रीन क्लीन प्लांट है मैडम, जो भी आउटडोर इंडोर प्लांट्स है, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारा एक नॉर्मल थिंकिंग रहता है कि झाड़ है तो सुबह उठ के पानी डालो, तो सिर्फ लोग क्या करते हैं, जितने कस्टमर्स आते हैं हमारे पास ओवर वाटरिंग का इशू रहता है, डेली उठ के पानी डाल देते हैं, तो उससे मस्कीटो से बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट भी ये होता है। हम लोग इतना सारे हैं जो इंडोर प्लांट्स है उसको वीकली वन टाइम या टू टाइम ही वाटरिंग करते हैं, और आउटडोर प्लांट्स को 2 to 3 days। लेकिन जितना घर में प्लांट्स है आप ट्राई कीजिए कि ऑर्गेनिकली मेंटेन करें, ऐसा आप रेगुलर, अभी पब्लिक का एक ये रहता है कि मैंने एक रोज़ प्लांट है तो डेली एक रोज़ आए उसमें, ऐसा ऐसा नहीं होता, नेचुरली होगा तो लिमिटेड होता है, जो भी वो 3 दिन में 4 दिन में एक रोज़ आएगा, लेकिन बहुत ही हेल्दी होगा। वेल इसी के साथ कोई 3-4 क्वालिटीज़ अगर आप बता पाओ, कोई अगर इंटरेस्टेड है ऐसा कुछ चालू करने में, खुद का एंटरप्राइज चालू करने में, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 3 to 5 क्वालिटीज विच यू नो वी कैन कीप इन माइंड कि ये सीखना ही है अभी? मैम ये प्लांट्स पर्सनली मैं क्या फील करता हूँ कि प्लांट्स एक हम लोग को भाई बढ़ते रहते हैं, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वो हमारा हैबिट नहीं, हम लोग उसको फोर्सफुली नहीं करते, नेचुरली करते, तो प्लांट्स भी ऐसा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इसकी ज़रूरत नहीं, बस आप प्लांट्स के साथ एक बार रिलेशन बनाना चालू करो, ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज आएगा। जैसे अभी आपका तो नेचुरल बिजनेस ही है, लेकिन बाहर हम काफ़ी सारे बिजनेसेस देखते हैं, तो एक जो नेचुरल फैक्टर आता है एक एनवायरनमेंट को बचाने का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? मैम आप कुछ भी बिजनेस करोगे ना, नेचुरल फैक्टर उसमें रहेगा ही रहेगा, वो आपके डिसीजन के ऊपर रहता है कि मैं कौन सा राइट और लेफ्ट कौन सा डिसीजन लूँ। अभी हम लोग ने गोवा का एक इंसिडेंट होना था, अभी यूट्यूब पे बहुत सारा ये होता कि उधर कुछ तो कॉर्पोरेट्स काट रहे थे बिजनेस के लिए, तो जो भी वो पोजीशन पे रहते तो ऐसे सब चीज़ें जैसे फॉरेस्ट कटिंग हो गया, जो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ऐसे डिसीजन को अवॉइड करें। हमारा जो जनरेशन है उनको मालूम ही नहीं है रेन का, तो बस रेनी सीजन है वो मालूम है, उतना डिटेल में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोग ने फील नहीं किया नेचर को उतना, हम लोग इतना नेचर से कनेक्टेड है फिर भी हम लोग को भी नहीं मालूम है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं भी डिस्टर्ब हुआ है। पहले एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में बारिश होता था, अभी नहीं होता, अभी कभी भी बारिश आता है, अभी आपने देखा रहेगा कि जनवरी मार्च में भी बारिश हुआ था इधर साइक्लोन पे, अभी बहुत सारा नेचर बहुत सारा डिस्टर्ब है, अभी भी हम लोग सुधरेंगे नहीं, अभी भी जो कर रहे हैं नहीं हम जरूर सुधरेंगे एटलीस्ट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई एम श्योर, और कोई ऑप्शन है नहीं।
और कोई ऑप्शन है नहीं, सुधरना ही है। नहीं सुधरेंगे तो हम ही हैं जो इधर बुद्धिजीवी है। नहीं, ये बात तो सच है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अभी भी उम्मीद है, और उम्मीद है तो दुनिया कायम है। ओवर टू श्रद्धा। हमारा आज का सफर शुरू हुआ काफी धुएं और शोर से, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये आज एंड हो रहा है काफी पॉजिटिव और होपफुल नोट पर। और हमने आज देखा और जाना कि इस शहर के ग्रीन कवर और अर्बन फॉरेस्ट के बारे में लोगों को काफी चिंता है, और हम सभी को इसकी इम्पोर्टेंस पता है। अथॉरिटीज और गवर्नमेंट भी लगातार इस पर ध्यान दे रही है, और कई एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस ग्रीन कवर को बढ़ाने में लगी हुई है। बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता की, थोड़ी हिम्मत की, और थोड़े सब्र की। इसी तर्ज पर आज का एपिसोड करती हूँ खत्म। लेकिन जाने से पहले आपको किए हुए वादे के मुताबिक क्विज के दो सवाल आपके लिए। तो हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है, हवा के अलावा ग्रीन कवर और किस चीज के लिए बहुत जरूरी है? और हमारा दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि मुंबई में कौन सा अर्बन फॉरेस्ट है? तो आइए, सिर्फ देर किस बात की है, लॉगिन कीजिए www.mapofme.in में, हमारे दिए गए दो सवालों का सही जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस। और हाँ, भूलिएगा नहीं हमारा 26 स्टेप चैलेंज। अगर आप उसको पूरा करेंगे तो हम आपका चुने हुए करियर बनाने में मदद करेंगे। हमारे और हमारे जैसे ढेरों चैनलों को जो इस शहर को बेहतर बना रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। यकीन मानिए, हम सब मिलकर इस शहर को बेहतर बना सकते हैं। हैव अ गुड डे।